जांजगीर चांपा जिले के बलौदा विकासखंड के ग्राम मड़वा स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में छात्रों ने दो शिक्षकों को हटाने की मांग को लेकर 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया, जिससे विद्यालय का संचालन बाधित हुआ। सूचना मिलने पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्याम रत्न खांडे और तहसीलदार राजकुमार मरावी मौके पर पहुंचे और छात्रों की समस्याओं को सुना। विद्यालय में 5 शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें से 2 शिक्षक सुरेश दुबे और संतोष दास मानिकपुरी लकवा से ग्रसित हैं। इन परिस्थितियों के कारण उनकी पढ़ाई में भारी बाधा उत्पन्न हो रही है कि हमारी पढ़ाई हो रही है, लेकिन ये सर लोग हमें नहीं पढ़ा पाते। मतलब कि दुबे सर जो है ना, वो बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते। मानिकपुरी सर हैं, वो सिर्फ बोल पाते हैं, है ना, और लिखवा भी वो भी नहीं पाते, और अच्छे से वो नहीं पढ़ाते हमें। जैसे नहीं वैसे पढ़ा देते हैं और फिर चले जाते हैं तुरंत, हमें अच्छे से वो नहीं पढ़ा पाते। क्या क्या समस्याएं आती हैं पढ़ाई को लेकर के? ना वो हमें मतलब कि समझ नहीं आता, मतलब कि हमें प्रश्न वगैरह मतलब कि नहीं मिलता पुस्तक से। हम लोग ढूंढते हैं, हमें नहीं मिलता, पूछते हैं हम, तो कैसे मतलब कि वो लोग नहीं करते, नहीं बताते। जैसे कि हम लोग हम पढ़ाई नहीं होता है सर, दुबे सर और मानिकपुरी सर पढ़ाते ही नहीं है, ना पढ़ाते हैं। मानिकपुरी सर समझ भी नहीं आता है और बोलते हैं कि गाइड को देख के लिख लेना करके, समझ भी नहीं आता। और दुबे सर पढ़ाते भी नहीं है, ना पढ़ाते हैं, फिर पढ़ने दिन भर गुटखा खा के ना बैठे रहते हैं। हाँ, दिन भर गुटखा खा बैठे रहते हैं और क्लास में भी आते हैं वैसे और मारते भी रहते हैं। अभी क्या चाहते हैं उस और दोनों सर के बदले दूसरे सर आए? हमारे गांव मड़वा के बहुत ही जटिल समस्या रही से मिडिल स्कूल के दुबे सर मानिकपुरी सर एमन लकवाग्रस्त है, एमन पढ़ाई नहीं करा पाते, लइका मन के पढ़ाई है बाधित होते। एक बार आज लइका मन स्कूल के और गांव के सम्मानित नागरिक जनप्रतिनिधि सब आके स्कूल में बैठ रहे हैं, ताला बंद करे रहे हैं कि हमारे गांव में टीचर की व्यवस्था किया जाए, एमन के ट्रांसफ़र किया जाए। एक पूर्व माध्यमिक शाला मड़वा की बात है, जहाँ कुछ देर पहले ही सूचना मिली थी कि तालाबंदी करके विद्यार्थी और पालक बैठे हुए हैं करके, उसी सिलसिले में अपने यहाँ आए थे। यहाँ 5 शिक्षक पदस्थ हैं पूर्व माध्यमिक शाला में, जिनमें से 2 शिक्षक जो है अस्वस्थ है, लगभग ग्रस्त है। उनके द्वारा अध्ययन अध्यापन का कार्य नहीं कराया जाता है, ऐसी शिकायत थी और वास्तव में सही है। 3 शिक्षक के द्वारा यहाँ अध्ययन अध्यापन कराया जा रहा है और समझाइश दी गई है, और विभाग के अधिकारियों से बात करने के बाद पता चला कि आज एक और शिक्षक का व्यवस्था हो जाएगा, तो 4 शिक्षक हो जाएंगे और अध्ययन अध्यापन जो है सुचारू रूप से चलेगा।